तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं काफी बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज है 17 अगस्त और अभी बज रहे दोपहर के 12। तो आज हम जाने वाले नवादा, और नवादा हमारा कुछ पर्सनल काम था, मतलब हम अपने ब्लॉक में कुछ पेपर्स दिए थे, तो बस आज उसका डेट है, तो वही लेने जाना है। तो सोचा क्यों ना आपको साथ ले चलते हैं। और नवादा का नाम तो बहुत सुने होंगे, आपको दिखाते हैं नवादा। और हाँ, जितना हमारा काम होगा बस आपको उतना ही दिखाएंगे, पूरा भी नहीं दिखा सकते। किसी दिन टाइम आएगा तो आपको पूरा भी दिखा देंगे नवादा। तो चलिए फटाफट तैयार होकर चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम नवादा जाने के लिए हो चुके हैं तैयार, और अभी हम जाने वाले हैं नवादा। तो अभी आपको ले चलते हैं। तो उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, अभी हम बाइक का चाबी मांगने के लिए गए पापा के पास, तो वो थोड़ा लेक्चर सुनने लगे, मतलब गाँव में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वही बोलने लगे फलानवा का बेटा का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी अच्छा चलाओ, धीरे चलाओ। तो हम बोलते हैं हम धीरे ही चलाते हैं, स्पीड नहीं चलाते, अच्छा बोल बोल के लेके चले आए बाइक का चाबी। तो अभी हम चलने वाले हैं नवादा, और अभी चलते हैं, और हम अकेले नहीं जाने वाले हैं, मतलब अपने दोस्त को भी साथ में ले जाएंगे। तो आयुष को, दोनों आयुष को ले जाएंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं। और अभी हम जाने वाले अपने 2 करोड़ के फरारी से, तो चले चलते हैं। और फरारी काफ़ी गंदा है यार, इसको धोना भी है। और ये तो दिख रहा है स्टिकर, ये भी हम मंगवाए थे मेसो से, और ये 9 रुपये में दिया था। कहाँ मस्तानी, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो, बाय 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 बाय। चल जाओ, चल जाओ घर, चल जाओ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने प्रिय मित्र को लेने के लिए, और हम इसको भी लेके आ चुके हैं। और गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम था यार, जो लास्ट लाइन रहता वो धुकधुका रहा था, तो जैसे जैसे वो धुकधुका रहा था वैसे वैसे हमारा करेज वो धुकधुका रहा था, लग रहा है कहाँ ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। तो गाइस, हम आ चुके हैं पेट्रोल भरने के लिए, और सामने पेट्रोल टंकी है इधर इधर इधर, हाँ उधर पेट्रोल टंकी, तभी हम लोग इसमें पेट्रोल डलाएंगे। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अपने छोटका मित्रवा को लाने, जो सबसे छोटा हाइट का है हम सबके बीच, सबसे छोटा हाइट का, तो मतलब आयुष को लाने के लिए जाएंगे अभी। तो चलिए गाड़ी में पेट्रोल डला के चलते हैं, लेट्स गो। 105। तो गाइस, ये नवादा का 3 नंबर बस स्टैंड, और 3 नंबर है ना भाई, हाँ ये 3 नंबर बस स्टैंड। और इसके आगे अभी आपको दिखाते हैं, चलिए बस पूरा नवादा तो नहीं घुमा सकते फिलहाल अभी, क्योंकि हमको जहाँ तक काम है बस आपको हम वही तक दिखा सकते हैं। नवादा किसी दिन अगर और मतलब किसी दिन मिला मौका, चांस मिला घुमाने का आप लोगों को, तो ज़रूर किसी दिन घुमाएंगे आपको पूरा नवादा। और इधर ये न्यू स्टेशन बन रहा है नवादा जंक्शन, जंक्शन ओ पीछे लग गई टक्कर, गरियाबा जैसा गरियाबा। और यहाँ पे पोल बम के लिए गाड़ी जा रहा है, क्या बोलते देवघर के लिए। और ये आपको यहाँ पे मिल जाता देखने को, देखिए नवादा रे, नड़ा कस रहे हमारे दादाजी नवादा रेलवे स्टेशन, वो ये इधर है नवादा रेलवे स्टेशन, ये सामने आपको मिलेगा। देखिए काफी भीड़ है, और इधर अभी बन रहा है, तो और चलते हैं आगे।
आधा में अगर दो मिनट लेट कर दो ना तो जाम इतना भयानक लग जाता है। अगर ट्रेन आ गया तो फिर तो आपके निकलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलने में, इतना लंबा जाम लगता है इधर। और भाई यहाँ पे भाई यहाँ संभल के चलना, यहाँ पर पुलिस होती है और हमने हेलमेट भी नहीं लिया है। कह रहे हैं तो बस देखना सामने इंदर चौक है ना ये, हाँ तो यहाँ पे पुलिस भी होती है यार, तो यहाँ पे बच के चलना, देख लेना पहले भाई पुलिस तो नहीं है यार। चलिए कोई बात नहीं, आज पुलिस है ही नहीं तो आज हमारा किस्मत भी अच्छी है, किस्मत हमारा काफी अच्छा है, आज पुलिस है ही नहीं यहाँ पे। यार ये कार बार बार पता नहीं डिस्टर्ब कर रहा है यार, कार से आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सामने आपको देखने को मिल रहा है सदर अस्पताल नवादा, ये हमारे जिला का सदर अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल यानी कि। और यहाँ से अगर देख लीजिए आप, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है मूत्रालय का, जिसको भी लगाए इमरजेंसी में चले जाइए। और यहाँ पे एम्बुलेंस लगाए, और ये रहा नवादा का सदर अस्पताल। प्रजातंत्र चौक, नवादा का फेमस चौक प्रजातंत्र चौक, आप लोग सामने देख सकते हैं। पहले तो सद्भावना चौक तो वो तो नष्ट हो गया, ऊपर से ब्रिज लेके चल गया। और ये रहा एमके सेल्स मॉल, मतलब कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले ही ये पूरा जल चुका था, देख लीजिए आप लोग, पता नहीं कुछ कहना जल चुका था। और नवादा का फेमस चौक प्रजातंत्र चौक, मामू लोग भी काफी सारे हैं। अरे बच के सामने रह रहा है, भगा भगा मजली भगा, तीर को उतर आ, उतर नीचे, एक एक नीचे उतर जा, जल्दी आ भाई, चलो 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 ये आपको देखने को मिलेगा प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र नवादा, और यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक लगे लगाते हैं सामने तक, बाइक को छाव में लगा दे साइड। हम पहुँच चुके हैं अपने ब्लॉक में, मतलब तहसील में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नवादा ब्लॉक में यानी कि तहसील में, और अभी हम अपने पेपर्स लाने वाले अंदर से जाके, पहले हुआ होगा नहीं पता नहीं मालूम नहीं, तो अभी हम जाने वाले अंदर और लाने वाले हैं पेपर्स। हे गाइस, तो हम लोग अंदर वीडियो शूट करते हुए अंदर ब्लॉक के अंदर जा रहे थे, तो हम वो वीडियो ब्लॉक के अंदर जो गार्ड था तो हमें वीडियो अलाउ नहीं किया बनाने के अंदर, तो वो दोनों ही गए हैं, रिशु और आयुष गए अंदर बाकी का कागज़ लाने, जो उसी का कागज़ था पता नहीं क्या था वो लाने गया, उसी के पापा का कागज़ आया हुआ था तो वो लाने गया है, बाकी मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखिए ब्लॉक है, बाहर मुझे खड़ा कर दिया, बोला कि जाके तुम बाहर ही वेट करो। तो ये देखिए वो हमारे वीडियो साहब का गाड़ी है, और एक यहाँ पर एसडीएम सर का गाड़ी गया था हमारे बगल से, और ये देखिए हमारा ब्लॉक है, काफ़ी अच्छा है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा, लेकिन मुझे अंदर जाने मतलब बाहर यार ही खड़ा करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ सबका। यार आजा जल्दी, हाँ आ गए दोनों फाइनली गाइस, देखो दोनों आ गए सर, फिर अपना पेपर आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर है, ये पेपर दिए थे बस ये आ चुका है, खोल के दिखा देते हैं, पेपर आ चुका है, पर्सनल है, थोड़ा छिपा के रखना है।
तो भी चलिए आप लोग के लिए चलते हैं सामान लेने वाला। चलिएगा, हमारा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था तो ये निकाल रहा है। गाइस वो देखिए हमारा ब्लॉग, बाप जिंदगी में साइकिल से घूम रहे हैं, अब बेटा चले गए। बांस के द्वारा इनको बनाया गया है, सरस्वती माता है, विद्या के स्थान, यहाँ पे विष्णु भगवान सबसे पहले पृथ्वी पर यही आए थे, और ये भी उन्हीं का प्रतिमा है, मतलब विष्णु भगवान का, और इधर भी उन्हीं का विष्णु भगवान का, ये बारहवीं शताब्दी सबसे पहले यही, मतलब भगवान में सबसे पहले यही भगवान आया है, और जो ब्रह्मा और महेश मतलब शंकर भगवान ये दोनों जो निकले हैं ना वो उन्हीं से बन के निकले हैं, तो मतलब तीनों को एक ही कह सकते हैं आप लोग, और जब नाग देवी और ये शिवलिंग है, सरस्वती माता का वन भैरव, भैरव काफ़ी खतरनाक है काल भैरव, और जो लक्ष्मी माता, तो इनके बिना तो दुनिया चलता ही नहीं है, इनका होना काफ़ी ज़रूरी है बिल्कुल। और इधर इसलिए पूरा खाली पड़ा है, तुम कहाँ घूम रहा है, घूम रहा है जहाँ भी जाता है ना लड़की के पीछे पड़ जाता है, चेहरा नहीं देते हैं सब कहता है। ओ गाइस आगे देखो यार पूरा अंधेरा अंधेरा यार, इतना यहाँ पे आ गई है, इतना बड़ा ओ यार इधर तो पक्षी को भूल ही गए, ये सब लगभग विलुप्त हो चुके हैं, वैसे प्राणी मतलब कि पैरोट हैं, तोता मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के, पहले पाए जाते उड़ते उड़ते फंस गए मर गए, पहले पहले पाए जाते लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं, उड़ते उड़ते फंस गए मर गए। और मोगली से इसका काफी पुराना दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी चलता है उसका, इससे दोनों हाथ फैलाने के बावजूद इसके अंदर नहीं आता है, बताइए कितना बड़ा ऐसा साइज है, सोच लीजिए दोनों हाथ से कलर चल दिए हाथ नहीं आता। चंद्रयान फोर यहाँ पे नवादा से लॉन्च होने वाला है, और सोनी कुमारी ने बनाया 8 क्लास, और इसका उदाहरण करने वाले हैं हमारे आयुष की दीदी देख लीजिए उनका प्रतिमा काफी सम्मान के साथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो ऐसे बस इसी पोज में इनकी दीदी खड़ी है, वही इनको बनाई है और लॉन्च करने वाली नवादा से। यार बात को देख के ना सच्ची में डर लग जाता है यार वो किस कर लिया ना सच्ची में किस करने देखने के बाद हम आप पहुंचे हैं नवादा की सबसे फेमस समोसे की दुकान पे, और इसका पता है इंदिरा चौक नवादा, और यहाँ पे इस दुकान का नाम है न्यू बनारसी नाश्ता कॉर्नर। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमको देखने को मिला भैया एकदम गरम गरम तेल में गरम गरम लिट्टी छान रहे हैं, और बगल में इनका दुकान है देख लीजिए आप लोग, और दुकानिया पे काफी भीड़ है, अभी सुबह खड़ा है बगल में। कैसे प्लेट है भैया समोसा? अच्छा 20 रुपया लगा दीजिए 2 प्लेट। हम आ चुके हैं नवादा सबसे फेमस समोसे की दुकान पे, और यहाँ का समोसा का टेस्ट काफ़ी लाजवाब होता है, इसीलिए हम यहीं पे खाने आते हैं हमेशा, और आज भी आ चुके हैं बनारस का समोसा है, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब होता है।
तुम भी खाएगा रे तो गाइस लिट्टी खाने के बाद हम लोग सीधा बच्चे बन के सीधा रास्ता पकड़ के सीधा जा रहे हैं घर। और घर जाते समय बच चुका था 4 और हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है कंप्लीट। और आपको नवादा घुमा दिए, जितना हमारा काम था आपको उतना घुमा दिए, और किसी दिन मौका मिला तो पूरा घुमा देंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।